بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حي يا قيوم. الله بارك تعالى وحده لا شريك له بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شاپع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ بارک تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بحمد اللہ تعالی آج کا یہ پاکیزہ پروگرام آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے حوالے سے ہے. اللہ بارک تعالی ہم سب کو اس بابرکت پروگرام کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
हुजूर अलैहिस्सलाम के मेराज के हवाले से आपने पहले नॉर्विजन में जो है वो भी गुफ्तगू सुनी, और बिहम्दिल्लाह ताला हमारे YouTube चैनल पर जो है वो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कई लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ इस वाक़या के मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनका बयान जो है वो किया गया। आज की मुख्तसर गुफ्तगू में भी उस अजीम वाक़या का एक पहलू जो है वो अर्ज करते हैं। मेराज जो है वो है क्या? बेसिकली तौर पे आप जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सिर्फ दोहराने की आतुरता के बाद जहन नशीन हो जाए। मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक सफर है। क्या है हुजूर के मुबारक सारे बोलिए, हुजूर का सफर मुबारक है। सफर भी थी अराइस है, और ऐसा अजीम और अजमत वाला ये सफर है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने मक्का मुकरमा से, अल्लाह फरमाता है मैं अपने हबीब को सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह खुद अपने हबीब को ले गया, अल्लाह करीम खुद अपने हबीब को उसने खुद सैर करवाया। वो सैर कहाँ थी? मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दस तक, और बैतुल मक़दस से आसमानों तक, और आसमानों से भी आगे। क्या आसमानों से भी आगे? सिदरत मुंतहा की बुलंदियां, और फिर वहां से आगे ला मकाम। और आगे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने ये सारा सफर रात के थोड़े से हिस्से में करवा दिया। रात के थोड़े से हिस्से में फरमाया लैलन, लाम के ऊपर जो ये दो जबरे हैं इनको कहते हैं कि ये इसलिए आई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सारी रात भी नहीं गुजरी, इस सफर में सारी रात भी नहीं गुजरी, बल्कि रात का बस थोड़ा सा हिस्सा गुजरा था। क्या बोलिए? रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को मक्का से ले भी गया बैतुल मक़दस तक, वहां से आसमानों तक सारी सैर करवा दी सारे आलमीन की, और वापिस हुजूर को मक्का मुज़म्मा में ले आया। ये सफरे मेराज है। इसके कई पहलू जिस समय निर्स किया वो हम बयान कर चुके हुए हैं। आज की गुफ्तगू में सिर्फ एक पहलू जो है वो अर्ज करना है, वो यह कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक ने बेसिकली तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को सफर करवाना था आसमानों का, यानी उस सफर की मुंतहा या उसका उरूज जो है सफर का। उरूजे सफर ये था कि आप आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब करीम की बारगाह में हाजिर हों अर्श इलाही से भी ऊपर। तो मकसूद और उसका पर्पस और उसकी मंजिल तो वो थी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब करीम मक्का मुज़म्मा से बराह रास्त आसमानों पे क्यों नहीं लेके गए? अब बात समझ रहे? यानी ऐसा भी तो पॉसिबल था बजाय इसके कि बैतुल मक़दस से जो जाके आसमानों की तरफ उठाया, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि आप आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम मक्का मुज़म्मा से ही सीधा आसमानों पर उठा लेता, और आसमान के सारे अजायब और आसमान की सारी वसतें और आसमान के सारे नज़ारे करवा के हुजूर अलैहिस्सलाम को वापस मक्का में ले आता। तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब करीम ने पहले मक्का मुज़म्मा से उठाया, तो हुजूर को रब सीधा बैतुल मक़दस ले गया। कहाँ ले गया बोलिए? सारे बोलिए कहाँ ले गया? बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा में, जो कि फलस्तीन के अंदर। इसके मुख्तलिफ असरार हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि समझने के लायक है आज की गुफ्तगू के अंदर। उलमा इसके ऊपर जो है वो बड़ी जो है इसकी कई एक वजूहात जो है वो बयान की हैं। उनमें से एक वजह जो है वो मैं अर्ज करता हूँ, ये है
کہ بعض صوفیاء کرام نے اولیاء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور مفسرین اس کو لکھا ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نہیں, بلکہ پہلے تو یہ سمجھیے تاکہ آپ کو یہ تھوڑا تعارف ہو جائے, یہ روایت بعد میں عرض کرتے ہیں کہ مسجد اقصا ہے کیا, مسجد اقصا کیا ہے اور بیت المقدس کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, اور یہ غالباً صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا, سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ بیٹے آپ بات کی توجہ سے سنیں, تسبیح بعد میں پڑھنے سے بند کر, یہ بڑا وظیفہ جو میں عرض کر رہا ہوں تاکہ توجہ دے, سب سے پہلے کون سا گھر بنایا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے روئے زمین پر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنوایا وہ مسجد الحرام ہے, وہ مسجد حرام ہے, یعنی خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنا یہ گھر خانہ کعبہ جو ہے یہ بنوایا. عرض کی حضور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عبادت کے لیے گھر بنوایا وہ مسجد اقصا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ مسجد اقصا, وہ مسجد اقصا ہے. اور حضور کا یہ اپنا فرمانے گرامی ہے, حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کے بننے کے درمیان, مسجد حرام اور مسجد اقصا کے بننے کے درمیان فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال ہوگا؟ 40 سال کا فاصلہ. فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو گھر بنوایا وہ خانہ کعبہ ہے, اور اس کے 40 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد اقصا کو اپنی عبادت کے لیے بنوایا. کئی روایات اس معاملے میں موجود ہیں, مگر جو روایت زیادہ قرینے قیاس ہے ان روایات میں سے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر وہ بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی, سیدنا آدم علیہ السلام نے کی, اور مسجد اقصا کی بھی پہلی تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ہی کی. بعد ازاں وقت گزرتا رہا تو جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں آیا خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اور حضرت مسجد اقصا کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے, مگر اولین تعمیر جو ہوئی ان مقدس گھروں کی وہ تعمیر جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصا جو ہے بیت المقدس اس کے عین اوپر آسمان دنیا میں, اس کے عین اوپر آسمان دنیا میں فرمایا ایک دروازہ ہے جو عین اس کے اوپر کھلتا ہے, حضرت کعب احبار فرماتے ہیں, اور فرمایا اس دروازے سے ہر روز 70,000 ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں مسجد اقصا, 70,000 ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کے فرشتے جو ہیں ملائکہ جو ہیں وہ بیت المقدس میں آ کے نماز پڑھنے والے لوگوں کی مغفرت و بخشش کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یہ بیت المقدس کا مقام مسجد اقصا کا ہی. اور ایک روایت کے اندر ہے, اور یہ بڑی ہی محبت والی روایت ہے, سبحان یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضور علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات ہیں ہمارے مومنین کی جو مائیں ہیں, حضور کی بعض ازواج نے حضور کی بارگاہ میں پوچھ عرض کی یا رسول اللہ, وہ نہیں نا محبت صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی حضور
अगर कोई शख्स बैतुल मकदस मस्जिद अक्सा ना जा सके तो वो क्या करे? हुजूर ने किसी मौका पर उसकी फजीलत का बयान फरमाया होगा तो अज़वाजे मुतहरात ने आगे ये सवाल पेश किया खिदमत में, अर्ज की हुजूर अगर कोई बंदा मस्जिद अक्सा ना जा सके तो वो क्या करे? हुजूर ने फरमाया अगर कोई ना जा सके मस्जिद अक्सा तो वो वहां पे चिराग जलाने के लिए जैतून का तेल वहां पे बेच दे। तब चिराग जलते थे ना मस्जिद अक्सा के अंदर, तो वो जैतून के तेल से जला करते थे। फरमाया अच्छा अगर कोई ना जा सके मस्जिद अक्सा में तो वो इस तरह करे कि चिराग जलाने के लिए जैतून का तेल ही बेच दे मस्जिद अक्सा में। और फरमाया ऐसा कि हुजूर का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा में चिराग जलाने के लिए जैतून का तेल भेजने का सवाब ऐसे ही है जैसे मस्जिद अक्सा में जाके नमाज अदा करने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मस्जिद अक्सा में जाके नमाज अदा करने का सवाब, जो जा सके वहां पे जाके नमाज पढ़े। हुजूर ने फरमाया तीन मसाजिद की तरफ नियत करके इरादा करके सफर किया जा सकता है, उनमें से एक मस्जिद मस्जिद अक्सा भी है। और उसकी बरकत का आलम यह है कि एक रिवायत के अंदर आता है कि आप दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, और ये एक रिवायत है, एक रिवायत और भी है मगर वो मैं आखिर पे जाकर अर्ज करूंगा, मगर पहले सुन लीजिए क्योंकि इन दोनों के अंदर तस्दीक बड़ी लाजिम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद अक्सा में नमाज एक नमाज अदा करने का सवाब और अजर जो है 1000 नमाज के बराबर है। सुभान अल्लाह, 1000 नमाज के बराबर है वहां पे जाके नमाज अदा कर। तो मस्जिद अक्सा जो है ये आका दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई फजाइल बयान फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया किराम थे, याद रख लीजिए उनका किबला मस्जिद अक्सा थी। उनका किबला क्या था? मस्जिद अक्सा। अंबियाए किराम उधर मुंह करके नमाज अदा किया करते थे, बल्कि मुहक्किकीन इस्लाम के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आला दर्जे के रिसर्च स्कॉलर्स मुफस्सरीन, उन्होंने भी ये बयान फरमाया है कि आका दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते थे मक्का मुअज्जमा में, मक्का मुअज्जमा में जब हुजूर नमाज अदा फरमाते खाने काबा में आके, तो हुजूर मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज अदा फरमाया करते थे। ये बात बड़ी खास है। हिजरत से कबल हुजूर अलैहिस्सलाम जब खाने काबा में तशरीफ लाते नमाज पढ़ने के लिए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस रेतलिंग पर खाने काबा में खड़े होते थे कि खाने काबा भी सामने रहता और बैतुल मक़दस भी सामने रहता था। यही वजह है कि जब आका दुआलम हिजरत फरमा के मदीने तैयबा चले गए तो तब ऐसी पॉसिबिलिटी रेतरिंग सेम रेतरिंग में होने की पॉसिबिलिटी जो है ये मक्का मुज़मा में मौजूद थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े तो सहने हरम के अंदर सहने काबा के अंदर होते और मुंह ज़ाहिरन खाने काबा की तरफ होता, मगर आप इस रेतरिंग में हमेशा खड़े होते थे कि उसी रेतरिंग में खाने काबा आता था, उसी रेतरिंग और उसी सीमत में मस्जिद अक्सा भी आती थी। क्योंकि पहले सारे अंबिया जो हुजूर से पहले हो गुजरे खुसूसन जो पीछे बनी इसराइल के अंबिया आ रहे थे उन सब का किबला मस्जिद अक्सा था। अब हजरत ईसा के बाद और हुजूर के दरमियान और नबी को आया कोई नहीं, हुजूर ने उसी किबले को बरकरार रखते हुए, मगर जब सहने हरम में हुजूर खड़े होते तो खाने काबा भी सामने रहता मस्जिद अक्सा भी सामने रहता। जब हुजूर मदीना तैयबा हिजरत फरमा गए तो मदीना तैयबा में ऐसा पॉसिबल न था, मदीना तैयबा में रेतरिंग इस तरह बनती थी या तो हुजूर खाने काबा की तरफ मुंह करते तो पुश्त मस्जिद अक्सा की तरफ हो जाती और या मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरे अनवर करते तो पुश्त खाने काबा की तरफ हो जाती। मदीना मुनवरा में पहले 16 या 17 माह हुजूर अलैहिस्सलाम पहले 16 या 17 माह मदीना तैयबा में जाके हुजूर ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज हुजूर ने नहीं पढ़ी। जिससे मुफस्सरीन की उस कौल की तस्दीक होती है
कि हुजूर जो मक्का में भी नमाज पढ़ते थे हिजरत से पहले, वो भी हुजूर बेसिकली तौर पे मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाजें पढ़ते थे, चूंकि पहले अंबिया का किबला वो चला आ रहा था। अब मदीना मुनव्वरा में आके ऐसा चूंकि पॉसिबल ना था, इसके हुजूर जब नमाज के लिए खड़े होते तो हुजूर मस्जिद अक्सा बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके हुजूर नमाज अदा फरमाते, और तकरीबन 1.5 साल पहला हुजूर ने बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाजें अदा फरमाई। हत्ता कि आपने तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे मुबारक में यह ख्वाहिश उभरी कि या अल्लाह मेरा किबला जो है ये खाने काबा को मुकर्रर फरमा दे। फिर सूरह बकरा की वो आयत उतरी, फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहक फिस समा, ए हबीब आप तब्दीली किबला के लिए जो बार बार ऊपर देखते हैं तो हम भी आपको मोहब्बत से देखते रहते हैं। फलनवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हबीब जिस किबला की तरफ आप चाहते हैं, जहां आपकी मर्जी है, जहां आपकी रजा है, जो आपकी दिसम दू विल, इसका ये मतलब है तरदाहा का, दिसम दू विल है मेरे हबीब, जो आप चाहते हैं बैतुल मक़दस की तरफ करना चाहे तो इधर किए रखें, अगर मिजाज मुबारक ऐसा है कि खाने काबा को किबला बनाना चाहते हैं तो हबीब बैतुल मक़दस से मुंह मोड़ लीजिए, मुंह मोड़ लीजिए और खाने काबा की तरफ कर लीजिए, जिस किबला को आप पसंद करते हैं रब्बुल आलमीन उसी को आपके लिए किबला मुकर्रर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो फिर मदीना तैयबा में जाके पहले 1.5 साल के बाद कमोबेश खाने काबा जो है वो किबला बना। इसलिए मैं मस्जिद अक्सा को बैतुल मक़दस को किबला अव्वल कहते हैं। क्या कहते हैं वो जी? किबला किबला अव्वल कहते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को जब सफर मेराज करवाया गया तो जमीन के ऊपर जो मेराज करवाया उसमें भी खास सिग्निफिकेंस और बड़ी अहमियत है मस्जिद अक्सा की। पहली बात जो मैंने शुरू में अर्ज की वो ये है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हुजूर को मक्का मुजमा से बुलंद करके सीधा आसमानों में क्यों नहीं अल्लाह ताला क्यों नहीं लेके गया? ऐसा भी तो पॉसिबल था। बोलिए पॉसिबल था या ना था? मुमकिनात में से था। फिर अगली बात कि जब जमीन के लिए, जमीन की सैर के लिए कोई जगह मुय्यन फरमाना ही थी तो मस्जिद अक्सा को क्यों मुकर्रर फरमाया? जमीन में और भी तो बेशुमार जगह मौजूद थी। ऐसा ही क्यों हुआ कि हुजूर को मक्का मुजमा से सीधा बैतुल मक़द्दस ले जाया गया? उसकी एक हिकमत जो उलमा ने लिखी है, सूफिया ने बयान की है, मुफस्सरीन इसको जगह दिया अपनी तफासीर में लिखा है, वो ये है कि मस्जिद अक्सा में चूंकि हजार अंबिया इकराम ने वहां पे जाके मस्जिद अक्सा में नमाजें पढ़ी, ये बड़ी मोहब्बत वाली तौजीह है जो उलमा ने लिखी है। हजारों लाखों अंबिया बशमूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कोई एक नबी भी ऐसा ना था जिसने मस्जिद अक्सा में जाके नमाज ना पढ़ी। हर नबी ने मस्जिद अक्सा में गए, और मस्जिद अक्सा की बरकात का आलम यह है कि मस्जिद अक्सा के राउंड चारों तरफ हजार हा अंबिया इकराम के मज़ारात आज भी मौजूद हैं। हजार हा अंबिया इकराम के मज़ारात हैं वहां पे। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया इकराम जो हैं वो अपनी अपनी हयात ज़ाहरी के अंदर जिंदगी के किसी ना किसी हिस्सा में उस किबला अव्वल की तरफ आते भी रहे, जाते भी रहे, वहां पे हाजिर और मौजूद भी रहे, उसकी ज़ियारत के लिए भी गए। अब मस्जिद अक्सा में सूफिया ने लिखा जब आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हुई तो मस्जिद अक्सा का एक एक स्तून, एक एक सोले, एक एक स्तून जो है वो रब करीम की बारगाह में दुआ करता था, मौला हमने आदम की भी ज़ियारत कर ली, मौला हमने नूह की भी ज़ियारत कर ली, मौला हमने इब्राहिम को भी देखा, इस्माइल को भी देखा, याकूब और यूसुफ को भी देखा, हमने तेरे सारे नबी देखे, मौला हमारा एक एक स्तून तेरी बारगाह में दुआ करता है। पंजाबी च पुछो दे ले और मस्जिद अक्सा दी एंट एंट ने रब दी बारगाह च दुआ की थी, मौला हमने सारे अंबिया की ज़ियारत कर ली, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी आमना के लाल का भी दर्शन हमें करवा दे। कभी तो ऐसा मौका है हुजूर को तूने मक्का में भेज दिया, हजारों अंबिया को तो तूने यहां पे फलस्तीन में भेजा, सैकड़ों हजारों अंबिया बनी सही उसी इलाके में, शाम में, इराक में और सीरिया में, सारे इलाकों के अंदर अंबिया हजारों की तादाद में आए। सूफिया ने लिखा कि मस्जिद अक्सा का एक स्तून जो है वो रब करीम की बारगाह में दुआएं करता था, मौला
कभी तो मौका आए, हमने सारे तेरे अंबिया की ज़ियारत की है, आकाए दो जहां भी अपने कदम कभी इस मस्जिद के अंदर आके लगा दें। तो रब करीम ने उनकी दुआ को कबूल फरमाते हुए हुजूर के सफरे मेराज के लिए मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का फैसला फरमा दिया। दूसरी इसके अंदर जो हिकमत है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि हुजूर का मुकाम और मर्तबा अल्लाह करीम ने इशारा फरमाया सूरह बकरा के अंदर, फरमाया तिल्का रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, फरमाया हमारे रसूल हैं जिनमें से एक को एक से बढ़ के हमने फजाइल अदा फरमाए। सारे अल्लाह के रसूल और नबी जो हैं अजमतों वाले हैं, सारे नबी शानों वाले हैं, सारे नबी रिफतों वाले हैं, मगर अल्लाह ताला ने सारे अंबिया से बढ़कर जिस नबी को मुकाम अदा फरमाया वो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को मुकाम मरतबा अदा फरमाया। और उसका इजहार आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहरी में कई मरतबा फरमाया। मसलन एक हदीस पाक के अंदर है, मुस्लिम अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, क्या कहते जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। कौन से हाबी हाजिर हुए? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। आके उसकी हुजूर, मैंने बनू कुरैज़ा एक कबीला था यहूद का जो मदीना मुनव्वरा में आबाद था, हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने बनू कुरैज़ा के यहूदी और आबाद जो है उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की कि वो मुझे तौरात की कुछ आयतें लिख के दें, तौरात की कुछ आयतें मेरे लिए लिख के दें। तो हुजूर मैंने उनसे तौरात की कुछ आयतें लिखवाई हैं अपने पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, तो अगर इजाजत हो तो आपकी बारगाह में वो पेश करूं। हजरत उमर फारूक ने ये इजाजत मांगी। इतना कहा तो हदीस पाक में आता है आका द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल के साथ हुजूर द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का रंग मुतगयर हो गया, हुजूर का रंग बदल गया, हुजूर के ऊपर कैफियत जलाल तारी हो गई, चेहरे अनवर का रंग गुस्से के साथ सुर्ख हो गया। जब हुजूर को जलाल में देखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो पास एक और सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा उमर क्या देखते नहीं है कि आपकी वजह से हुजूर की कैफियत जलाल में आ गए हैं और हुजूर इस बात को नापसंद फरमाया है जो आपने हुजूर की बारगाह में बात पेश की है। इतनी बात हुई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ जोड़ दिए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अल्लाह को रब मानकर दीन को इस्लाम को दीन मानकर और आपको अल्लाह का रसूल मान के मैं राजी हो गया। ये बात हुजूर ने फारूक ने हुजूर की बात की, हुजूर मैं अल्लाह को रब मानकर इस्लाम को दीन मानकर और आपको रसूल मानकर मैं राजी हो गया। जब बार बार उसकी हुजूर अलैहिस्सलाम का जलाल जो है वो जमाल में बदला, हुजूर के चेहरे अकदस का मुबारक रंग जो है वो जो मुतगयर हो गया था वो अपने मामूल मुबारक पे वापस आया, तो हदीस पाक में उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया उमर याद रखो कि अगर इस वक्त मेरे होते हुए तुम्हारे दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही क्यों ना आ जाएं, ये हुजूर का फरमान है याद रखिए। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे होते हुए तुम्हारे दरमियान सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिर क्यों ना आ जाएं, तुम तो उनकी किताब ले आए हो मेरे सामने, अगर वो खुद ही उतर आए और मुझे छोड़कर तुम मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करो तो तुम गुमराह हो जाओगे। हुजूर का फरमान, फरमाया मुझे छोड़कर तुम पहले अंबिया की भी पैरवी करो और मैं भी जबकि तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। फरमाया अगर मेरे होते हुए, एक और हदीस पाक है हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद होते, ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद होते तो मेरे होते हुए सिवाय मेरी पैरवी के उनके पास कोई चॉइस मौजूद ना होती, और मैं उनके लिए अल्लाह का यही हुक्म होता। कुरान मजीद सूरह आल इमरान के अंदर वाज़ह तौर पर ये बयान कर दिया गया कि अल्लाह ताला ने जब अंबिया के साथ हलफ लिया आलम अरबा में
तो यही तो फरमाया कि तुम मेरे हबीब पर ईमान लेके आओगे सारे के सारे। ये सारी बातें अपनी जगह पे तो बरहक थी, मगर आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान का जो इजहार बैतुल मकदस में हुआ वो सबसे बढ़कर था। वो क्या था? बोलिए, सबसे बढ़कर था। क्या आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बैतुल मकदस में लेकर गए तो मैंने वहां पे सारे के सारे अंबिया को हाजिर और मौजूद पाया। सारे अंबिया वहां पर हाजिर थे। आकाए आलम फरमाते हम सफों में खड़े थे और इस इंतजार में थे कि मुसल्ला इमामत खाली है। मुसल्ला इमामत जो है वो खाली है, अब उसके ऊपर कौन खड़ा होगा? क्योंकि जो उस रोज खड़ा होगा वही सारे अंबिया का ताजदार करार पाएगा। हुजूर फरमाते सारे अंबिया इंतजार के अंदर थे, अंबिया भी रसूल भी सारे सफों के अंदर खड़े थे। एक रिवायत के अंदर आया हुजूर ने फरमाया 70 सफें थी अंबिया की और सारे सफदर सब वहां पर मौजूद थे। हत्ता के मैं गया, जिब्रील अमीन मुझे लेके अंदर दाखिल हुए, फरमाया अंबिया इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते जब ऐन नमाज का वक्त आ गया, फरमाया जिब्रील अमीन ने मुझे बाजू से पकड़ के मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर दिया। उस रोज से आ गए जो यहां फिर इमामुल अंबिया का दुरुस्त माना लोगों की समझ में आ गया कि ये नबी वो है जो नबियों का भी इमाम है। ये नबी वो है जो नबियों का भी इमाम है। और मैं जिब्रील अमीन ने मुझे पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। और दूसरी हिकमत जो है वो तीसरी हिकमत क्या है जो बैतुल मकदस में हुजूर अलैहिस्सलाम को ले जाने की थी, वो एक ये भी थी ताकि सारी दुनिया पर जो मेराज के वाकया पर यकीन रखे मुसलमान क्यामत तक आने वाले उनका इस बात के थ्रू फस्त हो जाए और अकीदा कामिल और पक्का पुख्ता हो जाए, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को ऐसी शान अता फरमाई होती है, ऐसी शान अता फरमाई होती है। आप देखिए ना कि आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया दुनिया में आए थे वो सारे अंबिया अपनी अपनी तभी जिंदगी जो है वो यानी कौम में सारे अंबिया अब हजरत ईसा के दरमियान में से आप निकाल लेंगे या हजरत इदरीस के मुतलक रिवायात आई हैं तो बकिया सारे अंबिया अपनी अपनी हयात ज़ाहरी गुजार के दुनिया से पर्दा कर चुके हुए थे। सारे अपने मिजारात के अंदर अपनी कब्रों के अंदर जा चुके हुए थे। अब अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक ने अंबिया इकराम की वो जो जिंदगी है कब्रों की, जो उनकी बरज़ख की जिंदगी है, उसके ऊपर दलील कायम फरमा दी मेराज के वाकया के अंदर। क्या आकाए-ए-आलम फरमाते हैं जब हुजूर सफर में मस्जिद अक्सा जा रहे थे, मशहूर और मोतबर तरीन रिवायत है, हुजूर ने फरमाया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र के अंदर देखा। मूसा अलैहिस्सलाम को कहां देखा? उनकी कब्र के अंदर देखा। वह क़ाइमुन युसल्ली फी कब्रिही और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। अब हुजूर जब मस्जिद अक्सा में गए वहां पे फिर हुजूर ने हजरत मूसा को अपना मुक्तदी पाया। फिर हुजूर ने हजरत मूसा को अपना मुक्तदी पाया। जमीन का सफर खत्म करके हुजूर आसमानों पर गए, फिर छठे आसमान पर अपनी इस्तकबाल में फिर हजरत मूसा को खड़ा हुआ पाया। अब देखिए आसमान का मेराज, पहले आसमान पे हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब गया तो पहले आसमान पे मेरा इस्तकबाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। किसने किया बोलिए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। फरमाया मैं दूसरे आसमान पर गया, वहां पे मेरा इस्तकबाल हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। फरमाया तीसरे आसमान पर गया तो वहां पे मेरा इस्तकबाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। फरमाया चौथे आसमान पे, चौथे आसमान पे जब मैं पहुंचा वहां पे मेरा इस्तकबाल जो है वो हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने किया। अगले पांचवें आसमान पे भी न चौथे पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, चौथे पे कौन से नबी हजरत है? बड़ी बड़ी मोहब्बत वाली बात है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। फरमाया पांचवें पे जब क्या हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। किस नबी ने हजरत है? फरमाया छठे आसमान पे जब गया वहां पे मेरा इस्तकबाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। फरमाया सातवें आसमान पे गया वहां पे मेरा इस्तकबाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। अब ईमान की बात यह है
कि यही सारे अंबिया तो मस्जिद अक्सा में हुजूर के पीछे भी खड़े थे, बोलिए हुजूर के पीछे भी खड़े थे, और हुजूर जब आसमानों पर गए यही अंबिया हुजूर का इस्तकबाल भी कर रहे थे। और उलमा ने यह भी बयान फरमाया है कि उनके अपने जसद पाक जो है वो उनकी कब्रों के अंदर भी मौजूद थे। आप भी सुभान अल्लाह, नहीं लगी तो आपको बात की समझ आगे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फरमाया भाई यही अंबिया का जवाब फरमाते मैं कब्रे मूसा से गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, मैं मस्जिद अक्सा में गया वहां मूसा हुजूर के मुक्तदी बने हुए हैं, फिर फरमाते छठे आसमान पे गया वहां पे मूसा फिर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। ये अल्लाह तआला बदाला वहदहू ला शरीक ने जो सारा कुछ दिखाया इसलिए कि आका इबादत का कलिमा पढ़ने वालों को क्यामत तक पता चल जाए कि अल्लाह ने अंबिया को और उनके तसद्दुक से और उनके दर्जे में नीचे चलते चलते औलिया को ऐसी हयात बरज़खी अता फरमाई होती है, और बिलखसूस अंबिया को कि अल्लाह ने उनके ऊपर कोई कैद कोई पाबंदी नहीं रखी, जब चाहे जहां चाहे अल्लाह के इज्जत के साथ कब्रों से बाहर निकल के जा भी सकते हैं, वहां पे वापस जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा अमर अता फरमा दिया है, अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत के साथ ऐसा इख्तियार अता फरमा दिया हुआ है कि अल्लाह के नबी जहां चाहे बिला शुबा उनको इस दुनिया से विसाल हो गया, बिला शुबा उनकी उम्र तैयब यहाँ पे जाहिर पूरी हो गई, मगर अल्लाह ने उनको ऐसा कमाल अता फरमा दिया कि 1,24,000 कमो बेश सारे अंबिया को अल्लाह ने मेराज की रात बैतुल मक़द्दस में जमा फरमा दिया। और हुजूर ने आगे बयान किस लिए फरमाया, इसलिए कि हुजूर की उम्मत को समझ आ जाए कि अल्लाह ने नबियों को कितनी शान वाली कब्र की जिंदगी अता फरमाई होती है। सारे अंबिया इकराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जहां जहां दफन हुए हजार साल उनको गुजर चुके हुए थे, हजारों साल गुजर चुके थे। एक तो यह हिकमत मस्जिद अक्सा में अंबिया इकराम को जमा करने की, हुजूर को वहां पर लेके जाने की, ताकि उम्मत मुस्तफा का ये अकीदा कायम हो जाए कि अल्लाह ताला के नबी जो कब्रों के अंदर हैं उनको अल्लाह ने ऐसा इख्तियार अता फरमा रखा है कि जब चाहते हैं जहां चाहते हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी अल्लाह करीम के फजल से फैज देने की जो है वो अता फरमाते रहते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना, अब बात दूर ना निकल जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने याद रखिए ये गालिबन इस हदीस पाक मैंने हिस्सा अर्ज भी किया था कहीं किसी ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में कई औलिया ऐसे होते हैं कि जिनके दिल अंबिया के दिलों की तरह होते हैं। इसका भला क्या मतलब कि उन अंबिया के फ्यूजात से उनकी विलायत को पाला जाता है। बात को समझे तो अंबिया के नाम फैज देने के लिए तशरीफ लाते हैं, अल्लाह करीम ने यह इख्तियार अता फरमाया। और तीसरी या चौथी या पांचवी जो भी आप जो सबसे अहम हिकमत इसके अंदर है कि हुजूर को बैतुल मक़द्दस क्यों ले जाया गया और मस्जिद अक्सा ही अल्लाह ताला क्यों वहां पे लेके गया हुजूर को, उसकी सबसे अहम हिकमत ये है इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक ने अगर आका गालम को जमीन से सीधा आसमानों पर उठा लेता और हुजूर सारे आसमानों की सैर करते हुए जन्नत की सैर फरमा कर दोज़ख़ का मुशाहिदा करके सिदरतुल मुंतहा अर्शे उला सारा कुछ देख के हुजूर वापस आ जाते हैं, आके मक्के वालों को बयान फरमाते भाई मैंने सारा कुछ आसमानों पे ये मंजर देखा है, तो मक्के वालों के पास हुजूर अलैहिस्सलाम की बात को जज करने का या परखने का कोई भी पैमाना उनके पास मौजूद ना था। अब बात को समझ रहे हैं, यानी मक्के वालों ने कौन सा आसमान देखे हुए थे, उनके पास हुजूर अलैहिस्सलाम की बात की तस्दीक या तर्दीद करने का उनके पास कोई मायार मौजूद ना था। हुजूर जो कुछ भी बयान फरमा देते तो वो जवाबन यही कहते भाई हमें क्या पता हम कौन सा वहां पे गए हुए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज के वापस पलटे तो अगले ही दिन सुबह हुजूर अलैहिस्सलाम हर में काबा में आपके द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए हतीम के मुकाम पर। किस मुकाम पर? हतीम के मुकाम पर। रिवायात में आता है कि अबू जहल हुजूर के करीब से गुजरा तो उसने कहा माजल्ला जिस उसका एक अंदाज होता था गुस्ताखान और बेअदबाना, कहते हुजूर का नाम लेके कहता है कि क्या कोई नई बात नहीं आजकल उतरी।
कोई नई खबर हमारे लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे जमा हो जाओ, आज मेरे पास एक नई खबर भी है। उन्होंने कहा क्या? जब सारे काफिर जमा हो गए, जो भी वहां पे मौजूद थे मुसलमान सारे लोग जमा हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि मैं आज रात मक्का से चला और मस्जिद अक्सा पहुंचा, और वहां से मैं रातों रात फिर होके तो वापस मक्का में आ गया। मैं ये कह रहा हूँ ज़मीनी मेराज और उसमें मस्जिद अक्सा की सिग्निफिकेंस और उसकी अहमियत ये है कि मक्का वाले जो थे हुजूर की इतनी बात सुन के तो हुजूर की बात को जज कर सकते थे, इसलिए कि उनके शहर में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी मस्जिद अक्सा देखी हुई थी। चूंकि मक्का से सीरिया तक का सफर, शाम तक का सफर वो कई बार बुक करते थे, एक साल के अंदर बड़े बड़े काफिले उनके जाते थे। अब आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र तैयब कमोबेश 50 साल थी। कितने साल थी कमोबेश? 50 साल। कितने साल बोली? कमोबेश 50 साल थी। और इससे भी अगली मोहब्बत की बात हुई है कि आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतरा है कमोबेश 23 साल। कितने साल कमोबेश? 23 साल, 23 है कुरान मजीद उतरा है। अब हुजूर का जो दौरे नबुव्वत जाहरी था 23 का आध जो है वो तकरीबन 11 साल बनता है। तकरीबन कितना? तकरीबन 11, साढ़े 11 साल। हुजूर की नबुव्वत के ये जाहरी अरसा जो है आधा इधर था आधा इधर था। कमो बेश हुजूर पर ऐलान नबुव्वत फरमाए हुए 11.5 साल हो चुके हुए थे जब रब करीम ने हुजूर को मेराज अता फरमाया। और उससे भी पुरलुत्फ बात अगली ये है कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का आधा दौरे नबुव्वत इधर था ज़ाहरन आधा इधर था, दरमियान में हुजूर को उठा के अल्लाह करीम ने मेराज करवाई। इसी तरह इस्लामी साल के 12 महीने, कितने महीने? 12 महीने। उन 12 महीनों में से 6 महीने इधर हूं 6 इधर हूं, दरमियान में रजब आता है, खुदा ताला ने रजब के महीने में हुजूर को मेराज करवाई। और जहां पे सबसे पहले मेराज का जिक्र फरमाया आधा कुरान इधर है आधा इधर है, 15वें पारे का आगाज ही हुजूर की मेराज से करवा दिया। हुजूर की मेराज से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह किया। मैं भी अर्ज कर रहा था कि आकाए-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया कि मैं मक्का से गया तो मस्जिद अक्सा तक मैंने सफर किया और रातों रात में वापस आ गया। अब मक्के वालों को पता था 50 साल हुजूर मक्का में रहे और कमोबेश 50 साल की उम्र तैयब में जो था मेराज नसीब हुआ। अब सारे लोग जानते थे मक्के वाले के हुजूर कभी भी बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा गए नहीं यहां से, ये भी उनको कंफर्म और श्योर था कि हुजूर ने कोई भी सफर ऐसा नहीं, हुजूर ने फरमाया कि हुजूर मक्का मुज़म्मा से उन 50 सालों में कभी भी हुजूर मस्जिद अक्सा गए। अब उन सबको इन सारी बातों का पता था। जब हुजूर ने इरशाद फरमाया ना कि मैं मस्जिद अक्सा रातों रात गया तो वापिस आया, उस दौर में जो घोड़े पे सफर था, सवारी पे सफर, मक्का मुज़म्मा से मस्जिद अक्सा जाना वहां से वापस मक्का आना, ये कमोबेश 1 महीने का सफर था। कितना सफर था? तकरीबन 1 माह का ये सफर था। और पैदल जाने वाले जो काफिले जाते थे वो तो 2-2.5 माह से पहले कोई काफिला वापस नहीं था पलटता। अब आपको मेरा नहीं ख्याल कि मक्का मुज़म्मा रियाज या जद्दा से अब भी एक रात के अंदर फ्लाइट लेके भी बंदा वहां से वापस आ जा सकता, यानी शेड्यूल ऐसे नहीं होते आपको, यानी आज भी कोई बंदा वहां पे खड़ा होकर यह कहे कि मैं जद्दे से गया मस्जिद अक्सा और रातों रात वापस पलट आए तो शायद लोग शेड्यूल देखे तो कहें नहीं यार ये फ्लाइट ही तो हमें लगी है। अब बात समझे, अब दौर वो है कि जब सवारी पे जाए फिर भी 1 माह चाहिए कमोबेश, और जिन लोगों को मुखातिब है वो भी जानते हैं कि इन्होंने 50 साल यहां से वहां तक गए ही नहीं। अब हुजूर ने जब ये इरशाद फरमाया, फरमाया कि मैं रातों रात मक्का से गया और मक्का से मस्जिद अक्सा में गया, वहां पे वहां से मैं वापस मक्का मुज़म्मा आ गया, सारे मक्के वाले जो थे वो एकदम हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर सवालात करने लगे। उन्होंने कहा भाई कमाल बात आप कह रहे हैं, मैं बैतुल मक़द्दस गया था? फरमाया हाँ मैं गया था।
उन्होंने कहा अच्छा ये बात है तो आप हमें बैतुल मकदस की कुछ निशानियां बताएं। क्या कह रहे बोलिए कुछ निशानियां बताएं। कुछ लोग शाम के ताजर जो थे सीरिया के वो भी वहां पे मौजूद थे, से निकाबा में मक्का में से भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बैतुल मकदस बार बार देखा हुआ था। अब हुजूर को कहते हैं हमें कुछ निशानियां बताएं मस्जिद अक्सा की। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब उन्होंने मुझे इतना कहा ना कि निशानियां बताएं, तो वैसे समझदारी की बात यह है कि जो लोग कई माह से या कई सालों से यहां पे आके दरस कुरान सुनते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को भी पता हो कि इस छत के अंदर कितनी लाइटें हैं। या पता है बोलिए, कई साल या कई माह जब आप किसी एक जगह पे जाते हैं तो बंदा इस पर्पज और इस मकसद की खातर नहीं जाता। अगर यहां पे दरस कुरान को होते हुए 3-4 साल हो गया, जो लोग मुसलसल आ रहे हैं बिलफर्ज मेरे समेत, किसी को भी नहीं पता छत के अंदर कितनी लाइटें मौजूद। क्यों? इसलिए कि इस मकसद की खातर हम यहां पे आते नहीं। अब आप समझे, कई लोग शायद ऐसे होंगे, कई लोग कि जो कहीं सैर करने के लिए जाए, पेरिस चले जाए, लंदन चले जाए, लाहौर चले जाए, तो वापस मुड़े बिलफर्ज कोई बंदा बादशाह मस्जिद गया तो वो कहे कि मैं बादशाह मस्जिद लाहौर की सैर करके आया हूं। तो आते को बंदा पूछे बता भाई बादशाह मस्जिद के अंदर कितनी विंडोज लगी हुई है, तो वो कहेगा यार मुझसे बादशाह मस्जिद का कोई हुस्न जमाल पूछो, मैं उनसे खिड़कियां गिनन थोड़ा गया सकता। ये कॉमन सेंस की बात है ना कि बंदा जहां पे जाता है वहां पे बंदे उसका दरवाजे या खिड़कियां या छत बंदा वो गिनने के लिए नहीं जाता, वहां पे लाइटें कितनी लगी थी। सैर के अपने जवाबत होते हैं, सैर के अपने कवानीन होते हैं। आका इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए आगे बयान फरमाया, आगे में जो मक्के वाले थे वो साहबदारे मुनकर थे, हुजूर की सारी शान के मुनकर थे। अब उन्होंने हुजूर पर इस तरह के सवालात करने शुरू कर दिए कि आप ये बताइए बिलफर्ज के मस्जिद अक्सा के दरवाजों का कलर किस तरह का था या उसकी निशानियां क्या आएंगे वहां पे क्या 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 था। इन सवाल के जवाब देने जरूरी भी कोई ना थे, मगर अल्लाह तबारक तआला वहदहू ला शरीक का निजाम देखिए क्या कहे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह के नबी थे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि नबी से कोई उम्मती सवाल करे तो नबी जवाब ना दे पाए। हुजूर फरमाते मैं हदीम के अंदर खड़ा हुआ था, मक्के वालों ने मेरे ऊपर सवाल करने शुरू कर दिए कि हमें मस्जिद अक्सा की निशानियां बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। फरमाए एक लम्हे के लिए मेरी तबीयत के अंदर परेशानी आई कि मैंने उन निशानियों को याद नहीं था रखा। फरमाया मैं हदीमे काबा में खड़ा था, जो ही मक्के वालों ने सवाल किया मैंने फिजा के अंदर देखा तो खुदा ताला ने बैतुल मकदस को मेरे सामने ला खड़ा किया। फरमाया बैतुल मकदस मेरे सामने आ गया, सारी मस्जिद उठा के बाद मुस्तफा में पेश कर दी गई। फरमाया हबीब के जो कुछ पूछते जाए हुजूर फरमाते हैं वो सवाल करते जाते थे। बाखुदा मैं हरमे काबा के अंदर खड़ा होके हकीम के अंदर खड़ा होके मस्जिद अक्सा को अपनी आंखों के सामने देखता था, वो जो कुछ पूछते जाते मैं देख देकर उन्हें बयान फरमाता जा रहा हूँ। जो सवाल उन्होंने किए आका इब्राहिम उनके जवाब इरशाद फरमा दिए। जो कुछ ऊट पटांग भी उन्होंने पूछा मस्जिद अक्सा की वो चीजें जो आमतौर पर नहीं पूछी जाती हैं, वो जो सारा कुछ उन्होंने पूछा हुजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा को देखकर एक एक चीज का उन्हें जवाब देता चला गया। किस लिए खुदा ने मस्जिद अक्सा को मुंतखब फरमाया? इसलिए उनके सवालात के बाद अब उनके पास सिवाय मानने के कोई चारा ना था। अब तस्दीक हो गई थी कि आका इब्राहिम ने हकीकतन ये सफर किया हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला ने जमीन का यह हिस्सा जो है वो मुंतखब फरमाया हुजूर के सफर के लिए, और इसलिए मुंतखब किया कि ताकि जितने भी मुनकरीन हैं उनको क़यामत तक ये पता चल जाए कि हुजूर ने पहले 50 साल तक कभी सफर ना फरमाया उस जगह का। रातों रात जो वापस आए मक्के वालों के जितने सोर्स थे उन सारे सोर्सेस के जरिए उन्होंने सारे सवाल कर लिए। आका दो जहां ने जो सारे जवाब दे दिए तो फरमाए नादान समझ जाओ अगर ये हिस्से सफर के सारी सर्टिफिकेशन और सारा इत्मीनान मैं तुम्हें दे चुका हूं तो उस हिस्से सफर को भी मान लो जिसको तुम जानते ही नहीं हो। इसको तो जानते हो ना, ये तो सारे सवाल तुमने पूछे, इसलिए मैं उस हिस्से सफर पर भी ईमान ले जहां तक तो तुम्हारी अप्रोच नहीं है।
जहां तक तुम आसमानों पे जा नहीं सकते, मुझसे पूछो आसमान कैसे हैं, मुझसे पूछो जहां तक तुम जा नहीं सकते सिदरतुल मुंतहा कैसी है। और वो जो पहले बात मैंने अर्ज की थी वो ये कि आका इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मस्जिद अक्सा का हुजूर के सफर के लिए उसका इंतखाब किया गया, उसकी एक हिकमत यह भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये पॉसिबिलिटीज में से है, ऐसा ही है कि हुजूर ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने का सवाब जो है 50,000 नमाजों के बराबर है। कितनी नमाजों के? 50,000 नमाजों के बराबर है। मुफस्सिरीन शारहीन अहदीस ने लिखा है कि ये ऐन मुमकिनात में से है कि पहले मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने का अजर 1,000 नमाजों के बराबर हो। बस मस्जिद अक्सा में हुजूर के कदम लगने की देर थी, खुदा ने अजर बढ़ा के 50,000 नमाजों के बराबर कर दिया, क्योंकि कायनात में जितनी फजीलतें हैं वो सिर्फ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत के साथ। सारी कायनात में जिसको फजीलत मिली है, अगर आप उर्दू की किताबें पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं तो हुजूर की शान में एक लफ्ज बोला जाता है कि हुजूर को फजीलत मुतलक हासिल है। क्या लफ्ज? हुजूर को फजीलत मुतलक। सारे बोलिए फजीलत मुतलक। एब्सोल्यूट फजीलत हुजूर को हासिल है। मुतलक का मफहूम क्या होता है? मुतलक का मफहूम यह है कि सारी कायनात में से हर शख्स को जो भी फजीलत मिली है वो हुजूर की वजह से मिली है, हुजूर को किसी की वजह से कोई फजीलत नहीं मिली। हुजूर को दुनिया में किसी की वजह से कोई फजीलत नहीं मिली, बल्कि कायनात में जिसको जो भी फजीलत मिली है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से मिली है, जिसका आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफाती नाम है, सिफाती नाम उनके अंदर हुजूर के सिफाती नामों में हाजी का नाम नहीं आता। क्या नाम है नर्स किया? हाजी का नाम नहीं आता। ऐसा तो नहीं किया हुजूर ने हज नहीं किया, हुजूर ने हज किया है और हयात ज़ाहरी में हुजूर ने ऐलान नबुव्वत के बाद एक मरतबा ही हज फरमाया। उलमा ने फरमाया इसलिए नाम नहीं आता कि सारी कायनात में लोग जाएं और जाके काबातुल्लाह का तवाफ करें, हज करें, वहां की ज़ियारत जाके करें, तो सारी कायनात में उलमा जाएं या गैर उलमा जाएं, सूफिया जाए या गैर सूफिया जाए, कायनात में जो भी खाने काबा में जाता है, तवाफ़े काबा करता है या सफा मरवा में दौड़ता है, तो उस शख्स की फजीलत है कि उसको ये एजाज हासिल हुआ कि उसने खाने काबा का तवाफ कर लिया। मगर हुजूर को इसलिए सिफाती नामों में भी हाजी उनका नाम नहीं है, इसलिए कि जब हुजूर ने तवाफ़े काबा किया तो ये हुजूर का शर्फ नहीं है, ये खाने काबा का शर्फ है कि जिसका तवाफ मुस्तफा ने फरमा लिया। ये काबातुल्लाह की शान इससे बड़ी है। बकिया सारी कायनात के अंदर जो भी शाने हैं हुजूर के दम कदम के साथ हैं। अगर हुजूर काबा को फजीलत अता ना फरमाते तो यही फजीलत आज मस्जिद अक्सा को हासिल होती। इसे तो हुजूर ने मुंह किया खाने काबा की तरफ तो ये किबला बना। अगर हुजूर तवाफ ना करते तो इसका तवाफ आने क्यामत आने तक उम्मत मुस्लिमा कभी ना जाके। इसलिए हुजूर की फजीलत मुतलक है। हुजूर की फजीलत क्या? बोलिए मुतलक है कि हुजूर को किसी वजह से कोई फजीलत नहीं, कायनात में जो भी फजीलतें हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह के साथ। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक हमें मोहब्बत रसूल में जिंदा रखे और मोहब्बत रसूल में मौत अता फरमाए और मोहब्बत रसूल में हशर के मैदान में खड़ा फरमाए और कब्र के अंदर जगाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़ुल मुबीन। माशा अल्लाह माशा अल्लाह।